तो कैसे हैं? आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। तो बस हम इकरा साथ जा रहे हैं आज कुछ मार्केटिंग करने हजरतगंज। कुछ काम था फ्रेंड्स, तो एक काम भी है और एक कुछ लेना वेना भी है विंटर्स के लिए, और उनको अपने बर्थडे के लिए कुछ देखना है। मतलब 4-5 बार जाएंगी तब उनको पसंद आएगा, तो बस इसलिए जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमने सोचा यहीं से ब्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं, स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो यहीं से होता है ब्लॉग स्टार्ट। ये रहा लगाया पर कैप, तो मेरे बेकार हिसाब लगती से एकदम, जान नहीं रुकते मैम, तो बेकार लगती फ्रेंड्स एकदम ये लगा के हमें। मेरे को ठंड नहीं लगती इसमें। ठंड नहीं लगती। तो फ्रेंड्स इक्का ने ओढ़ लिया बुरखा, हमने कोट डाल लिया, क्योंकि फ्रेंड्स बुरखा ओढ़ो तो फिर कोट लंबा लंबा अजीब सा लगता। तो हमने सोचा बस ये है मेरा फुल लुक। फ्रेंड्स अलमारी की वजह से आपको फुल लुक दिखाई नहीं पा रहे, क्योंकि ये अलमारी रखी है और ये सिंगारदान, तो दिख नहीं पाता। तो आप लोग ऐसे ही देख लिए, एडजस्ट कर लिए, थोड़ा सेटल करेंगे फ्रेंड्स रूम को, मतलब सेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आजकल टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं हजरतगंज की मार्केट विंटर्स में कैसी लगती है। हर चीज़ मिलती है वहाँ विंटर्स में। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस चलते हैं, वहीं पहुँच के आपसे मिलते हैं। अभी इतना व्लॉगिंग तो कर नहीं पाएगी, तो वहीं पहुँच के आपसे करते हैं बात। फ्रेंड्स फोन इकरा को पकड़ा दे, पता चला कोर्ड में रखा गिर गया उस लड़की के साथ। एक लड़की का फ्रेंड्स गिर चुका है फोन, कोर्ड में रखा था उसने। चलिए मैं चलते यहाँ पे नहीं है ट्रैफिक, वहाँ पे भी है ट्रैफिक, नहीं लगता वहाँ भी है years later। हम लोग आ गए हजरतगंज, बहुत मुश्किल से आए फिर। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि आप लोग से बता नहीं सकते। मार्केट में टाइम लग रहा है, बस देख रहे हैं सब। मिलेगा या तो वाइट ले लो, ये तो गर्म ही नहीं करेगी। आपको तो सही रहते हो, क्या देख ले रहे हैं यहाँ। ये कोट देखिए, ये देखा हमने कोट, ये कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट में। अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है फ्रेंड्स। हमें तो अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कैसा। डिसाइड कर लिया क्या लेंगे, वो आपको घर पर जाकर दिखाएंगे क्या लिया हमने। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा कलेक्शन है, आप लोग आए आइए तो ले जाइए। ये भैया हैं, अच्छी लग रही है ना। हाँ मैं उसे कमरे में दिखा दी, अगर कोई पैटर्न हो तो लॉन्ग में, लॉन्ग में दिखाइए कुछ होगा। इंटीरियर अच्छा लग रहा है। हजरतगंज से आ गए तो बहुत देर पहले ही, अब चाय और बिस्किट खा रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही। पुरखा बने बैठी बात करके हो जाना, आप पूरी पाए लेकिन हमें भैया जाना पड़ेगा। आप भाई बहुत तेज भूख लग रही थी, चाय बनाई और बिस्किट मंगा के भाई खा रहे हैं। आज दिन में खाना ही नहीं खाया, आज क्या फ्रेंड्स रोज ही नहीं खाते, रोज का कहीं ना कहीं चले जाते हैं, दिन का खाना गोल हो जाता है रोज। और अभी सोचा नहीं क्योंकि फ्रेंड्स आज भी गैस नहीं आई, अब क्या बनेगा, क्या बनेगा। मम्मी कह रही आलू की सब्जी बना लो, बस वही खा लेगी। रोटी मम्मी ने मंगवा ली है बाहर से। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होगा। और बहुत सारी शॉपिंग करी है, अब लोग आपको अभी दिखाएंगे। कोड लाया बहुत बढ़िया अपने लिए, अभी आप लोग को दिखाएंगे। चाय पी लो थोड़ा। हम हो गए फ्री, हम बनाने जा रहे आलू की सब्जी, मम्मी की फेवरेट सब्जी है फ्रेंड्स वो, मतलब सूखी मिर्ची और प्याज वाली है। देखिए मम्मी ने काट दिया सब, तो चलिए बनाते हैं आलू की सब्जी। ये रहे आलू और ये रहा सब, तो फटाफट से बना देते फ्रेंड्स। इंडक्शन पर यही बन पाएगा अभी तो फिलहाल। और रोटी मम्मी ने बाहर से मंगवा ली, तो आलू रोटी खाएंगे आज फिर। कल खिचड़ी खाई थी, आज आलू रोटी खाएंगे। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से, उसके बाद आपसे मिलते हैं, फिर आप लोग को दिखाएंगे कि क्या लेके आए हैं। ठीक ओके, मिलते हैं अभी आपसे। हम लोग कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स आलू, और आलू की सब्जी तो कैसे बनाते हैं। मेरे वहाँ तो ऐसे ही बनती है, पहले पड़ती है प्याज, मिर्च भी लगाएंगे,
प्याज डाल दी अब तो फ्रेंड्स, ये इसमें बहुत जलने का डर रहता है आलू, ये बहुत तेज जलता है ना इंडक्शन, कढ़ाई का मतलब तल्ला जो हल्का है तो ये बहुत जल्दी प्याज हो जाती है, देख रहे हैं आप कितनी तेज धुआं निकल रहा है। तो बस फ्रेंड्स ये प्याज जीरा हो गया, प्याज लाल हो जाएगी, इसमें ये बची हुई प्याज और सूखी मिर्चें डाल देंगे और फिर आलू, फिर बहुत टेस्टी बनते हैं बहुत ज़्यादा। एक बार आप लोग भी ऐसे ट्राई करिएगा बना, बहुत यम बनते, मज़ा आ जाएगा आप लोग को खा के। ये मेरी मम्मी को ऐसे ही पसंद था, बाकी कुछ भी नहीं पड़ेगा इसमें, ना किसी मिर्चे ना हल्दी, सिर्फ नमक बस और कुछ नहीं। फिर ये जो सूखी मिर्चें आप देख रहे हैं इसी से ये आलू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा लाल, बहुत टेस्टी बनते हैं। बाहर से कुछ लगा लेंगे, देखा बहुत बहुत जल्दी इसमें होने लग पाएगा, जल्दी प्याज डालोगे कहीं आलू जल गए। अम्मा तो मेरी हमें सुना सुना के मार डालेंगी। बस फिर ऐसे ही बनते हैं आलू, आलू एक बार ट्राई करिएगा घर पे, और जल्दी भी बन जाते हैं बहुत, 15 मिनट में बन जाएंगे, और कुकर में बनाएंगे तो उसमें तो 10-20 मिनट लगेंगे, ये तो हम कढ़ाई बना रहे हैं। तो चलिए खाती बहुत आलू मिल गई, ये देखिए कितने ज़्यादा ब्रेड हो गए और देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं दिखने में, ये बस अभी पक्के नहीं, बस इनको थोड़ी देर ढक देंगे 300 पे लगा के, फिर ये गल जाएंगे बहुत टेस्टी। और फिर इसमें तेल ज़्यादा होना चाहिए, तेल ज़्यादा होगा तभी टेस्टी बनेंगे वरना नहीं बनेंगे। क्या हाँ क्या हुआ? हेलो गाइस, हमने आलू भगा दिए, बस एक ये 10 या 15 मिनट में बन जाएंगे क्योंकि 300 पे कर दिया फ्रेंड्स, वरना अगर जल गए कहीं तो अम्मा मेरी मेरा गला दबा देंगी, कहीं एक सब्जी बनाई वो भी तुमने जला दी, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत जल्दी इसमें लगने लगता है, देखिए आवाज़ आ रही है लगने की। तो चलिए आलू पे ध्यान देते हैं, आप लोग से बात में करेंगे, क्योंकि अगर जल गए ना तो फिर अम्मा खाएंगी क्या मेरी, तो चलिए। सो गाइस अम्मी लोग आई, हम बना रहे हैं कॉफ़ी उनके लिए, और इस टाइम तो गैस है ही नहीं तो वरना कुछ ना कुछ बनाते हैं उनके लिए, अब क्या ही बताएं, इस टाइम पे गैस ख़त्म हो गई, मतलब कहीं से गैस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सैंडविच मंगा लिया है और चिप्स, तो यही सब खिलाएंगे मम्मी को आज। खाने में हमने आलू की सब्ज़ी बनाई है, वैसे भी वो खाना खा के आई है कह रही है। चलिए बनाते हैं कॉफ़ी फिर चलते हैं अंदर। तो ये रहा फ्रेंड्स सैंडविच, ये रहा चिप्स, तो ये देखिए कम में पानी देखिए कैसे भर दिया, इस पर डालने के बजाय कम में भर दिया, दिमाग देख। सो गाइस मेरी कॉफ़ी बन के हो गई रेडी, तो चलिए चलते हैं अंदर लेके, अच्छी लग रही ना कॉफ़ी देखिए दिखने में, अब बहुत दिनों बाद बनाई फ्रेंड्स, पता नहीं कैसी बनी होगी, अंदर चल के सबसे पूछते हैं। चलो अच्छा जल्दी से कॉफ़ी, अम्मी उठिए आपके लिए कुछ बना नहीं पाए, सॉरी अम्मी इधर लेटी, कल परसों में तुम जो है आदरा करो, मम्मी उठिए कॉफी पिए, आपका नाश्ता आपका नाश्ता भी हो रहा, अब आप नेक्स्ट टाइम आइएगा तो आपको अच्छा खिलाएंगे। गैस नहीं थी नहीं, हम नीचे का ले रहे, ऊपर का लेने से होता है, बोलो जल्दी सो रहा है ना, फट्टा लगा देंगे मम्मी बोली। चलिए अच्छा कॉफी पिए और बताइए कैसी बनी है, बहुत दिनों बाद बनाई है। आप लोग टेंशन आ रही है, हम सब जगह ले चलेंगे आप लोग, बच्चा ले जाने की बात नहीं ना, वो तो एक अपनी जगह जाना, मेरा मकसद है कि मम्मी आई 10 बजे, रात को 12:30 बज रहा, अब जा रही है। रात को 12:30 बज गया पर अम्मी लोग को आज कुछ खिला भी नहीं पाए हम, क्योंकि गैस खत्म हो गई, तो अब देखिए नेक्स्ट टाइम आएंगे तब खिलाएंगे। तो चलिए हम लोग जा रही हूँ, उन लोग को अल्लाह हाफिज कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कब आएंगे वो, कल फ्रेंड्स हम लोग फिर मार्केट जाना, हम लोग सोचते हम लोग कितना मार्केट जाते हैं, हम लोग बहुत मार्केट जाते हैं, क्या करें।
तो गाइस अम्मी लोग आई थी चली गई, बस इस व्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड। बहुत ज्यादा थक गए फ्रेंड्स आज इकरा के साथ गए, तो इकरा ने इतना ज्यादा नचाया लेकिन लिया ना निभाया कुछ। तो फ्रेंड्स हम थम ही लाए थे एक कोट, तो वो आपको दिखाना भूल गए, जब पहनेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो अभी रख दिया उठा के फ्रेंड्स, और हिम्मत भी नहीं हो रही है फ्रेंड्स। तो आपसे मिलते हैं कल, तो उस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दिएगा। होप करते हैं आपको मेरा दिन अच्छा लगा होगा जो भी थोड़ा बहुत हमने शूट किया। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। जल्दी जल्दी लाइक करो, लाइक तो ज़रूरी किया होगा फ्रेंड्स, आप लोग लाइक नहीं करते, हम रोज़ कहते हैं आपसे लाइक करो, तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे कल, और आपको कोई चैलेंज वाला व्लॉग चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप लोग बताइए, कॉमेंट करिए, डरिए मत बिल्कुल भी, जो भी आप कॉमेंट में कहेंगे वो हम करेंगे ज़रूर। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मिलते हैं आपसे कल, मम्मी भाई से बात करें इसलिए आवाज़ें आ रही होंगी उनकी। मिलते हैं आपसे कल, अल्लाह हाफिज़।